हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 16 फरवरी 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो। आगे बढ़ेंगे, जानकारी दूंगा आपको हमारे कोर्सेज और नोट्स के बारे में एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए। जैसा कि मैं आपको डेली बता रहा हूँ, लगातार प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट्स के नोट, यानी कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नए सिलेबस के अनुसार, और साथ में करंट अफेयर भी इसमें कवर करवाया जाएगा। केवल 998 रुपये में आप 20 फरवरी तक इनको बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियोज़ रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, इसके अलावा 11,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ रहेंगे। और ये कोर्स भी अगर आप 20 फरवरी से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके साथ प्रिंटेड मटेरियल जो है वो फ्री मिलेगा, कोर्स के साथ में 3,999 रुपये में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जैसा आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, जैसा आप अपने आप को मानते हैं, आप अच्छा मानते हैं तो आप अच्छे बनेंगे, और अगर आप बुरा मानते हैं तो बुरा बनेंगे, तो धीरे धीरे आप वैसा ही बनने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह कि जब हम हमारे बारे में सोचते हैं कि मुझे यहाँ करना है या ये करना है या ऐसे करना है, या जीवन में खुद को 2 साल बाद कहीं सोचने लगते हैं कि यार मैं फला जगह होऊंगा, ऐसा कर रहा हूँगा, वैसा कर रहा हूँगा, तो हमारे आसपास का पूरा माहौल उस चीज़ को सही करने में लग जाता है। तो अपने बारे में हमेशा ये सोचिए कि आप अच्छा करेंगे लाइफ में तो आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि संयुक्त सेन अभ्यास अजय वॉरियर 2020, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया जाना है भारत और ब्रिटेन के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन है सही उत्तर। डिटेल अब इस प्रश्न का कई सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर है बनवारी लाल बावरिया का, दूसरा उत्तर है विजेंद्र विश्वकर्मा का, तीसरा उत्तर है शिवानी त्रिवेदी का। तो आप तीनों को बधाई। आप चाहते हैं आपका नाम भी इसी प्रकार से यहाँ पर आए, कमेंट यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में पूछे गए जो प्रश्न है उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। दूसरा प्रश्न है कि विश्व किस देश की संसद ने उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो को मंजूरी दी है, और ये दी है उत्तरी मैसेडोनिया ने। तीसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार की कब तक 1500 नई ट्रेनें चलाने की योजना है, तो ये योजना 2024 तक के लिए है। चौथा प्रश्न है कि ऋषि सुनक किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं, तो ये बने हैं ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं अतुल कुमार गुप्ता। वही छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नए ग्रह 2MASS11557919B इसकी खोज की है, और ये खोज की है रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने। सातवां प्रश्न, अंटार्कटिका में पहली बार कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस पद्मश्री सम्मानित फैशन डिजाइनर का निधन हो गया, तो इनका नाम था वेंडल रॉड्रिक्स। नवा प्रश्न कि किसने प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार जीता है, तो ये गीता सेन ने जीता है। दसवां प्रश्न है कि यूएई के अगले क्रिकेट महानिदेशक कौन होंगे, तो ये होंगे रॉबिन सिंह। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि पुलवामा के शहीदों के लिए स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये स्मारक बनाया गया है लेथपोरा में, जो कि कश्मीर के अंदर है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो कश्मीर के लेथपुरा ये जगह का नाम है। यहाँ पर पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान, 39 जवानों के एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है। इस स्मारक में ये जो आप कलश देख रहे हैं, इसमें इनके घरों की मिट्टी रखी गई है, इन 40 जो शहीद जवान थे इनके घरों की मिट्टी। और 14 फरवरी 2019 को ये हमला हुआ था, पुलवामा जगह का नाम है, वहाँ पर लेथपोरा जगह है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरएफ के करीब 40 जवानों की काफिले पर विस्फोटक से भरी गाड़ी में एक आत्मघाती हमला किया गया था, और सभी जवान इसमें जो है शहीद हो गए थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि भारत और पुर्तगाल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत और पुर्तगाल के बीच में जो है 14 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारत और पुर्तगाल ने रक्षा, निवेश, परिवहन, बंदरगाह, संस्कृति, उद्योग और युग, इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, जो पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं,
उनके बीच में जो है नई दिल्ली में मुलाकात हुई और उसी मुलाकात के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बात पुर्तगाल की करते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, प्रधानमंत्री यहाँ के एंटोनियो कोस्टा है और मुद्रा यहाँ की पुर्तगाली स्कूडो है। मैप में मैं आपको पुर्तगाल लेकर चलूँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको पुर्तगाल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम की तरफ। पश्चिम में जाएंगे तो ये यूरोप है। यूरोप में देखेंगे, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये देश पुर्तगाल है। यहाँ पर देखिए, ये जो देश है ये पुर्तगाल है। इसकी राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिस्बन है और इधर ये स्पेन के साथ में सीमा को साझा करता है। ये पुर्तगाल वही देश है जहाँ का वास्को डी गामा रहने वाला था और सबसे पहले भारत आया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न तीसरा है कि 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो इसमें भारत की तरफ से भाग लिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये जर्मनी गए हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 14-15 फरवरी को जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख, यहाँ पर जो है 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब ये क्या होता है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर विचार विमर्श के लिए एक बड़ा मंच है। यहाँ पर दुनिया भर के जो नेता होते हैं और राजनयिक होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पर, विश्व के मुद्दे होते हैं उन पर अपनी राय रखते हैं। शुरुआत हुई थी 1962 में, एक जर्मन सैन्य अधिकारी थे एवाल्ड फोन क्लाइस्ट, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू, जिनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन है सही उत्तर। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए तो वो 8 मार्च होता है। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। ये दिवस जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कवि थी सरोजनी नायडू, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। और बात करें हम सरोजनी नायडू जी की, तो देश की आज़ादी के लिए जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें भाग लिया था और कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो एनी बिसेंट थी, राइट, उनके बाद यही महिला अध्यक्ष बनी थी। इनकी जो कविताएं थी इनके कारण इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है और ये संयुक्त प्रांत यानी कि जो आज का उत्तर प्रदेश है उसकी पहली महिला राज्यपाल भी, पहली राज्यपाल बनी थी, महिला या पुरुष दोनों राज्यपालों में पहली राज्यपाल यही थी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि पांचवा प्रश्न है कि किन देशों के प्रतिनिधियों के दल ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की है। तो ये यात्रा की है खाड़ी देशों और यूरोपीय संघ के 25 देशों के प्रतिनिधियों ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने करीब 25 सदस्यों का एक दल 12 से 13 फरवरी को जो है जम्मू कश्मीर की यात्रा उनके द्वारा की गई और इस समूह में शामिल थे जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इटली, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, उज्बेकिस्तान, पोलैंड और इसके अलावा यूरोपीय संघ के राजदूत इसमें शामिल थे। और उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था और उसके बाद इसको दो भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया था और ये यूटी जो बनाया गया था वो 31 अक्टूबर से इन्फोर्स हो गया है, यानी लागू हो गया है। तो इन सब के बाद वहाँ की जो ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये यात्रा की थी। इसी प्रकार की एक यात्रा 1 जनवरी को भी करवाई गई थी, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि छठवां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना मिलन 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ करेगी। तो नौसेना के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की नौसेना मार्च में मिलन 2020 नाम से एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगी और ये आयोजन जो है विशाखापट्टनम में होना है। अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसमें करीब 41 देश के सेनाओं को आमंत्रित किया गया है। अब कितने आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। और मिलन का जो पूरा नाम है वो है मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज और इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि सातवां प्रश्न है। टेरी ये एक संस्थान है, इसके किस पूर्व अध्यक्ष और महानिदेशक का निधन हो गया है। तो इनका नाम है राजेंद्र कुमार पचौरी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसी को हम टेरी कहते हैं,
इसके पूर्व अध्यक्ष और महानिदेशक राजेंद्र कुमार पचौरी, इनका निधन हो गया। और इनको जो है 2007 में पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के उपाध्यक्ष एल गोर के साथ आईपीसीसी की ओर से जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये आप याद रखेंगे। और इसी के एक जो कर्मचारी थे उनके द्वारा इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके बाद उनको 2015 में जो है इस्तीफा देना पड़ा था, राइट। तो काफ़ी चर्चा में ये रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आठवां प्रश्न है कि किस महिला खिलाड़ी ने पैदल चाल में टोक्यो ओलंपिक का कोटा प्राप्त किया है, और ये कोटा प्राप्त किया गया है भावना जाट के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राजस्थान की रहने वाली भावना जाट, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनके द्वारा रांची में जो आयोजित हुई थी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उसमें 20 किलोमीटर की पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया, और इन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में करीब 1 घंटा 29 मिनट और 54 सेकंड का समय लिया, जबकि ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए जो समय निर्धारित है वो 1 घंटा 31 मिनट का समय निर्धारित है, और इनके द्वारा वो समय को पूरा किया गया है। तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो, क्योंकि आज का शनिवार होने के कारण आपके कई सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती, कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपका कोई ऐसा समय खराब हो, और इसलिए लिमिटेड न्यूज़ ही आपके लिए हम आपको सामने लेकर आए हैं। अब आज का सवाल हमारा ये है कि देश की तीसरी निजी ट्रेन वाराणसी और किस शहर के बीच में चलेगी, इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो आप मुझे बताइएगा किन शहरों के बीच में चलने वाली है, और भी इसके बारे में जो भी परीक्षा उपयोगी की जानकारी है वो आप जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो आज का हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।